हेलो एवरीवन, ये लेक्चर में हम लोग का पूरा प्लान है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सारे बेसिक्स कवर हो, उसके बाद फिर इसके हाई लेवल पे हम लोग जाएंगे। तो ये कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है, वो एक्चुअली है क्या, गिमिकी है, या फिर कैसे हम लोग इसका सेटअप करते हैं, कोडिंग कैसे होगा, या फिर अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे, ये सारे चीज हम लोग इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, वी शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली इज दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने देखा होगा कि बहुत सारे टर्म्स यूज कर रहे हैं विद इन मेनी एप्लीकेशन दैट दिस एप्लीकेशन इज एम्बेडेड विद AI। ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इज AI, ये हम लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसे बहुत बार क्या होता है कि गिमकी वे में ले लिया जाता है कि AI हम लोगों ने डाल के रखा है, AI हम लोगों ने डाल के रखा है, ये है क्या एग्जैक्टली, ये हम लोग को समझना पड़ेगा। ओके, सो बिफोर प्रोसीडिंग अहेड वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस सीरीज। ये सीरीज एक्चुअली में रख के आ रहा है। सो जब हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात करते हैं तो एग्जैक्टली होता क्या है कि हम लोग के पास कुछ मॉडल्स होती है। ओके, मॉडल्स होगा, उसको हम लोग ट्रेन करेंगे और उसको यूज करते हैं। इसमें बहुत सारे डेवलपर्स के माइंड में ये आता है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मॉडल्स जो बनेंगे या फिर जो जो हम लोग कोड लिखेंगे, मतलब कंप्यूटर खुद पे या फिर कोई भी डिवाइस ऑटोमेटिक उसको रिकॉग्नाइज करेगा, तो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, वो सारा कोडिंग क्या डेवलपर को लिखना है, क्या वो सारा कोडिंग हम लोग को बैठ के एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा तो फिर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर पाएंगे, तो उसका आंसर है नो। ओके, इसके लिए क्या है, ये भी काम है, ये एल्गोरिथम बनाना भी काम है, ये एक्चुअली किए जाते हैं बड़े बड़े वेंडर्स के थ्रू, लाइक माइक्रोसॉफ्ट हुए, ये अमेजोन का AWS, उसका भी AI आता है, फिर निविडिया का भी आ रहा है, निविडिया एंड माइक्रोसॉफ्ट रिसेंटली दे हैव अ टाइड अप, लाइक उनका खुद का कोलैबोरेशन करके चलता है, तो ऐसे करके ये काम कर रहा है। तो उसके पीछे क्या है कि डेटा साइंस इंजीनियर्स होते हैं और वो लोग अपना एल्गोरिथम बनाते हैं और उसके बाद डेटा साइंटिस्ट लोग वो उसको डिप्लॉय करते हैं और एक मॉडल के फॉर्म में डालते हैं। सो ओवरऑल कहानी ये है कि अपने को एल्गोरिथम पे फोकस नहीं करना, अपने को वो ये नहीं है डेवलपर को कि वो एल्गोरिथम बनाना है, कैसे ChatGPT काम कर रहा है, वो कोडिंग मेरे को करना नहीं, वो ऑलरेडी है, वो ChatGPT कॉन्सेप्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। हम लोग को क्या करना है एज अ डेवलपर, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल बी यूजिंग दैट ChatGPT इंटेलिजेंस। ओके, दैट ChatGPT इंटेलिजेंस एंड वी आर गोइंग टू यूज दैट इंटेलिजेंस विद इन आवर कोड। ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू यूज दैट थिंग, सो लेटर सपोज एक मॉडल, एक लेटर सपोज ChatGPT का एक इंटेलिजेंस है, ये ChatGPT का इंटेलिजेंस है। ओके, सो अब क्या हुआ कि ये इंटेलिजेंस एक मॉडल ये बना हुआ है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपना कस्टम डेटा डालेंगे। लेटर सपोज अपने पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम लोगों ने डाल के रखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में हम लोगों ने लिख के रखा है, और या फिर US प्रेसिडेंट के बारे में हम लोगों ने कुछ लिख के रखा है, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन। करेंटली व्हाट चैट जीपीटी इज डूइंग, लाइक व्हेन वी गो टू देयर पोर्टल एंड व्हेन वी आस्क क्वेश्चन, सो फ्रॉम व्हाट एवर द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑनलाइन ऑन दैट बेसिस इट सर्च द डेटा एंड इट गिव यू द आंसर। ओके, नाउ इफ यू वॉन्ट टू कस्टमाइज दैट ChatGPT, दैट ChatGPT सिर्फ मेरे गिवन डेट्स पे ही वो अपना इंटेलिजेंस शो करे, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, दैट कस्टमाइजेशन कैन ऑल्सो बी डन, दैट दैट इज समथिंग कॉल्ड अंडर द डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस एक्टिविटी। ओके, सो क्या होगा कि ChatGPT का मॉडल हम लोग यूज करेंगे और उस मॉडल को हम लोग यूज करके एक प्रॉपर AI के रिलेटेड वो काम करेगा, ह्यूमन ह्यूमन ट्रांसलेशन, ह्यूमन एक्टिविटी, लाइक ह्यूमन अगर कोई भी इनपुट दे रहा है इन देयर लैंग्वेज इरिस्पेक्टिव ऑफ लाइक इंग्लिश, हिंदी और वॉट एवर दिस थिंग, सो ऑल ऑन दैट बेसिस वो रिजल्ट देगा अपने को। सो ऐसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। ओके, सो एज अ डेवलपर वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द एल्गोरिथम पार्ट, ओनली थिंग इज दैट वी शुड बी अवेयर दैट व्हाट एवर द एल्गोरिथम दैट वी आर गोइंग टू यूज दैट शुड बी ट्रेंड वेल,
that should have a confidence rate of more than like 85% or 80% whatever the desirable things. Like ek basic mark rakha jata hai ki jo apna confidence rate aana chahiye, it should be greater than 85%. So that result should only be populated. If it is less than 85%, we should not consider that thing. But recently this number is going to be increased more than 90%, 95% like that. But currently the like basic standard hai ki 85% to hona hi chahiye. कोई भी अगर डेटा मॉडल हम लोग यूज करें. नाउ दिस मॉडल टर्म्स एंड ऑल इज लुकिंग वेरी लाइक गिमिकी फॉर दिस इफ यू आर अ फर्स्ट लर्नर, इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक थिंग्स. सो या दैट, बट ओवरऑल आइडिया आपको पता चल गया होगा क्या है. ठीक है, यस. सो नाउ वी शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली इज दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो नाउ हम लोग जितने भी चीज यहाँ पे कवर कर रहे हैं, इट इज नॉट समथिंग दैट आई एम प्रोड्यूसिंग. It is all from the courses available on the learning platform of the Microsoft, and I'm teaching from there only, and I'm certified on that thing as well. So you can find those details on my LinkedIn profile. Okay. So yes. So now, what exactly is artificial intelligence? So that we have to understand what exactly is artificial. Artificial means like that is not actually real. When we are telling artificial intelligence, intelligence means like intelligence, it has a capability to do the work on its own. Okay, so that kind of intelligence will be there. Artificial means like that is something which is not real, which is not real, artificially created. Okay, so it means like that is completely provided by the human, that is trained by the human, and later that training can also be done by the machine itself. So in common things that it is artificially trained, artificial intelligence. Okay, so there are many definitions related to the artificial intelligence. Some may be, अगर इसको define करने जाए तो इसमें बहुत सारे एक आ जाएंगे, आपको technical भी आ जाएंगे. What is technical? So जो अभी मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, दैट कैन बी साउंड एज अ टेक्निकल वन. इन अदर टर्म वी कैन एक्सप्लेन दिस एज अ फिलोसफिकल थिंग्स, कि ये कैसे ह्यूमन इंटर कर रहा है, या मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, कंप्यूटर उसको रिकॉर्ड करेगा, मेरे इमोशंस को पकड़ेगा, ऑन दैट बेसिस इट विल गिव द रिजल्ट. ओके, सो लेट अस सपोज क्या मैं कहीं पे जा रहा हूँ, इन दैट वे इफ आई एम आस्किंग एंड द टोन ऑफ दैट द सेम क्वेश्चन चेंजेस, क्या मैं कहीं पे जाना चाह रहा हूँ इन दैट वे. सो द टोन कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड बाय द एआई, दैट इन व्हाट टोन दैट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, एंड इन दैट वे द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन डिटेक्ट एंड गिव यू द आंसर. सो टेक्निकल आंसर भी हो सकता है, फिलोसॉफिकल आंसर भी हो सकता है. But in general terms, but in very basic term, in very basic, if you want to understand what exactly is this artificial intelligence, so artificial intelligence is nothing but is a software that will exhibit one or more human-like capabilities. So human-like capabilities kaisa ho sakta hai? Jaise if you talk with a different human, so if you ask any question to the another human, he will give you the answer in that way only. So currently, before coming of the chat GPT, what we were doing that hum log Google pe jate the, hum log Google pe query likhte the, and Google give you the links of the website where this query will happen, and that search is known as a crawling. Okay, that kind of things used to happen earlier. But now when the chat GPT is used, so in that way what happened, like there is a syntax and semantic things can happen, like grammar and all. Like when we are learning any Hindi language or even English language, it has a syntax, it has a semantic thing, it has like grammar also, like we have to learn grammar, what kind of tense, past tense, present tense. So in that way also the AI models are trained with their own grammars. Okay, so now when we are going to ask questions, so this chat GPT is going to return you the answer in the same way as a human, like a human used to do. Okay, so in general terms, AI is a software, as a software that exhibits one or more human-like capabilities, that happens. So now when we are telling something what is AI, and we are telling that it should have a human-like capabilities. Okay, so what is human? When we are telling that human-like capabilities,
So what is human? What capabilities should AI should have? Okay. So now human क्या क्या human का main एक common understanding क्या निकाल के इसमें रखा हुआ है? जैसे आई होगा, okay? That something human can see, that is आई. Second thing, text analysis. If we are writing something, if we are like analysis things mind होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, जो देख रहे हैं उसको प्रोसेस करना चाहिए माइंड. माइंड शुड बी एबल टू डू दैट. सो दैट वन कैटेगरी कैपेबिलिटीज दैट शुड बी दैट वी कॉल इट एज अ टेक्स्ट एनालिसिस और दैट कन्वर्सन कैमरा. सो एक ओवरऑल थिंग्स आप ये पकड़ लो, टेक्स्ट एनालिसिस. नाउ द थर्ड थिंग विल बी स्पीच कैन ऑल्सो बी कंसिडर अंडर दिस. ओके, वेन वी आर टेलिंग समथिंग सो system, the device should interpret, should able to understand what I am telling, and in that way the device should respond. Okay, so first is I, and is like analysis kind of things. Second, the third is speech, what I am telling, what I am want to ask question, that system should be able to understand. And the last one, decision making. Here the brain decision, whatever I am going to ask a question to the AI, the system, it should be able to make a decision that this is going to be the answer for that. Okay, this is going to be the answer for that. Let us suppose if I am asking, turn on the light. Second question, this the same question I am going to ask in another way. Put on the light. Okay, the third thing, I'm going to ask in Hindi, light jala do. Okay, light jala do. Now in that way, light jala do. So now this system should be able to make a decision, are these three things meaning is the same only. So the system will able to make a decision what is going to be the answer for this. The question is related to turn on the light. Okay, so that kind of, or let me give you one more example. Burn on light. Okay, burn means what? Jala do, it means like complete. In real term, this burn meaning is something else. Okay, but this model, whatever I'm going to make, this AI should be able to understand that this burn is not something that I'm asking to fire it on. Its meaning is only that turn on the light. इसका मतलब ये है कि बस light जला दो. So that decision has to be made by the AI. So that kind of capability should have that AI. So when we are talking about AI. AI should have human-like capabilities. क्या क्या capabilities होना चाहिए? पहला, vision. It can see, like, अगर कुछ, let us suppose, if I am sending any photo to that AI, so AI should be able to detect object within that photo. So that kind of things can happen. So eye related thing. Second, text analysis. Whatever I am typing, that AI should be able to understand. Third, speech. Whatever I am speaking, AI should be able to understand. Fourth, decision mapping, that brain, like human. See, this all comes under the sense of the humans are coming under. Now, AI has found through these things, eye, text, and speech, he has found multiple results for that. Now, among that result, AI should be able to make a decision. What exactly is the question and what should I return as the answer? Okay, like if let us suppose if I am asking to the AI, burn on the light, light jala do, put on the light, it should be able to understand like the only meaning of this statement is turn on the light. If I'm asking burn on the light, it doesn't ask me put fire on the light. No, it's meaning, the simple meaning is that light jala do. Okay.